पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के चौधरी कंवर सिंह तंवर का टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा में उनका विरोध शुरू कर दिया है। चौधरी कंवर सिंह तंवर के हाय हाय के नारे लगाए गए हैं। उन्होंने चौधरी कंवर सिंह तंवर को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए विकास न कराने की बात कही है और बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो गांव में न घुसने की चेतावनी और विरोध करते रहें, साथ ही नोटा का बटन दबाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि अमरोहा लोकसभा से 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने चौधरी कंवर सिंह तंवर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। चौधरी कंवर सिंह तंवर को अमरोहा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिले के बीजेपी कार्यालय पर चौधरी कंवर सिंह तंवर का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया गया और हाय हाय के नारे लगाए गए। लोगों का कहना था कि चौधरी कंवर सिंह तंवर बाहर के प्रत्याशी हैं और उन्हें बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने चौधरी कंवर सिंह तंवर का विरोध किया है। चौधरी कंवर सिंह तंवर का पुतला फूंका है। उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया गया है और उन्हें वहां की जमीनी हकीकत नहीं बताई गई, क्योंकि सांसद अमरोहा ने कोई काम नहीं किया है। 5 साल वो लोगों से मिलने तक नहीं आए, इसीलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि स्थानीय भी हैं और वो जनता के लिए काम भी करते हैं। पुतला फूंकने वालों ने ये भी कहा कि हम मोदी के साथ हैं लेकिन बाहरी प्रत्याशी के साथ नहीं है। हमें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, उम्मीदवार नहीं बदला तो हम नोटा का बटन दबाएंगे और गाँव में नहीं घुसने देंगे। 5 साल हो गए, मैं कम से कम 10,000 गज के घर को पेट्रोल नहीं फूंक चुका हूँ, पर आज तक मेरे मंदिर पर आज तक इसने नल तक नहीं गाड़ा। ऐसा आदमी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए आपको? कंवर सिंह तंवर हमें नहीं चाहिए। आज जो विरोध कर रहे हो, कहाँ पर विरोध कर रहे हो? हम तो कार्यालय पर कर रहे हैं, देवेंद्र नागपाल के हक में कर रहे हैं। शास्त्रीय बात हमारी छात्र संघ का नेता भी हूँ, हमारे कॉलेज के उनकी बस से उनका हमारे टीचर का एक्सीडेंट हो गया था। सही बात हो गया, ठीक है, नवापुरे में हुआ था। जो सात परिवार को अकेले पालते थे, वो इकला लड़का था, उनके यहाँ वो पहुँचे भी नहीं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे, एक रुपया नहीं दिया और वहाँ के प्रधान को डांट गए। वो हमारे देवेंद्र नागपाल जी पहुँचे, उन्होंने 1 लाख रुपया उन्हें दिया, ठीक है जी। और मेरे साथ 5,000 युवा जुड़े हुए हैं अपने जिले से, जी जी, 5,000 युवा, कोई भी ना साथ रहेगा, सब देवेंद्र नागपाल के साथ है। और 500 गांव से लोग आए हुए हैं, किसी गांव में एंट्री नहीं होने दी जाएगी बिल्कुल भी। किसका बटन दबाया जाएगा भैया? जी नोटा का बटन दबाया जाएगा। प्रत्याशी नहीं दिया पार्टी ने, प्रत्याशी नहीं दिया, जानता नहीं था, मुझे नहीं जानता। मेरे साथ 5,000 युवा जुड़े हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा तुम्हारा? हमारा जारी है, हमारा टिकट नहीं बन रहा है, नोटा का बटन दबाएंगे, वोट नहीं देंगे हम। किसी कीमत मंजूर नहीं है आपको, हमें देने के, हमें नहीं जानते। 5,000 युवा जुड़े हुए हैं।